नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका इस वंडरफुल प्रोडक्ट क्वालिटी चेक सेशन के एपिसोड नंबर 2 में। तो दोस्तों, आज जिस बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले दोस्तों, उसका नाम है वेलका नोनी जूस एनरिच विथ नोनी एंड कोकम। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे YouTube चैनल देव मास्टरमाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देव नेगी, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ देव मास्टरमाइंड एकेडमी। स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल देव मास्टरमाइंड एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल आज देख ही दिया होगा, हम जानने वाले हैं नोनी जूस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसको जानने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताने चाहूँगा। दोस्तों नोनी जूस अगर मैं बात करूँ तो ये नोनी जूस कंसंट्रेटेड है और साथ ही साथ इसमें कोकम मिलाया गया है। तो अगर बात करें तो दोस्तों, नोनी जूस यानी नोनी जो जूस है या नोनी फल जो है, तो दोस्तों अगर बात करें तो ये कॉफी फैमिली से बिलोंग करता है। आलू के साइज का ये होता है और साथ ही साथ अगर इसके कलर की बात करूं तो व्हाइटिश और येलोइश में थोड़ा सा ही पाया भी जाता है। तो अगर दोस्तों इस नोनी की मैं बात करूं तो इसका साइंटिफिक नेम मोरिंडा सिट्रीफोलिया भी है और इंडियन लैंग्वेज में इसको भारतीय शहतूत भी कहा जाता है, यानी इंडियन मलबेरी। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज के समय में इस आजकल के जो कार्यकाल जो चल रहा है, आजकल का जो कार्य जो चल रहा है, इस समय इस नोनी फ्रूट को या नोनी जूस को संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। तो अगर मैं संजीवनी बूटी की बात करूं कि इसे संजीवनी बूटी क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों इसे संजीवनी बूटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को यानी एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है। आने वाली जो बाहर की बीमारियां हैं उससे हमारे शरीर को एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है। तो अगर बात करें दोस्तों इस नोनी जूस के, ऐसा क्या है इसमें नोनी में कि इससे हम बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों अगर बात करूं इस नोनी जूस में दोस्तों 11 तरीके के इंग्रेडिएंट, अलग अलग इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। तो दोस्तों जिसमें पहले अगर इंग्रेडिएंट की बात करूं तो पहला है दोस्तों प्रो09। अगर प्रो09 की मैं बात करूं दोस्तों, अगर कभी भी आप गूगल में प्रो09 करके सर्च करेंगे तो आपको दोस्तों रिजल्ट में नोनी जूस या नोनी फ्रूट के बारे में ही जानकारी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों नोनी जूस और नोनी फ्रूट में ही सबसे ज्यादा प्रो09 पाया जाता है। अब ये प्रो09 होता क्या है? दोस्तों प्रो09 हमारे शरीर में जो 09 कोशिका है उसको बनाने में और उसको रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों अगर बात करें इंग्रेडिएंट की, तो दोस्तों इसमें जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है स्कोपोलिटीन। अगर बात करें दोस्तों, ये जो स्कोपोलिटीन है ये हमारे शरीर में हार्मोन के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमारे शरीर में जो ये स्कोपोलिटीन है, ये जो हमारे शरीर में जो हार्मोन होता है जिसका नाम होता है सेरोटोनिन, उसको रिलीज करता है। अब ये सेरोटोनिन जो हमारे शरीर में है दोस्तों, ये काम क्या करता है? कभी भी आप ने देखा होगा, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं, कहीं वर्कलोड से आगे बहुत ज्यादा वर्कलोड के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, मानसिक तनाव में बहुत आ जाते हैं, तो उस समय ये जो स्कोपोलिटीन है हमारे शरीर में सेरोटोनिन को रिलीज करता है, जो कि एक रिलैक्सिंग हार्मोन है जो हमारे शरीर को रिलैक्स करने में बहुत ही मददगार कार्य करता है। उसका बात करें दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है एंथ्राक्विनोन। अब दोस्तों इस एंथ्राक्विनोन के बारे में बता दूं तो आज के दिन हम देख रहे हैं कि हर किसी को, जो भी इंसान इस सृष्टि में है, हर एक या दूसरे इंसान को कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों जिसका सबसे बड़ा कारण है अनहेल्थी लाइफस्टाइल, और जरूरी नहीं कि ये सिर्फ उन लोगों को होता है जो सिगरेट, जो तंबाकू, जो कि अल्कोहल का सेवन करते हैं, बल्कि ये उन्हें भी हो रहा है जिनका एक अनहेल्थी लाइफस्टाइल है। और अनहेल्थी लाइफस्टाइल की बात करूं तो उनमें वो लोग आते हैं जो कि समय पर भोजन नहीं करते, अत्यधिक भारी चीजों का सेवन करते हैं, फास्ट फूड का सेवन करते हैं, तो उन्हें भी आज के टाइम पे कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर बात करें दोस्तों ये एंथ्राक्विनोन के अंदर दोस्तों एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है।
अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की मैं एक बात करूं तो दोस्तों, अगर किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जैसे किसी को हाथ और पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो ये जो एंथाक्विनोन है हमारे उस दर्द को खत्म करने में मदद करता है। और अगर बात करें चौथे इंग्रेडिएंट की, तो वो है दोस्तों डेमनाकैंथल। दोस्तों डेमनाकैंथल एक एंटी कार्सिनोजेनिक एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज में मौजूद है। और दोस्तों हमारा जो नॉनी है, तो दोस्तों नॉनी एकमात्र एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एंटी कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें एंथ्राक्विनोन और डेमनाकैंथल दोनों पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है आप किसी भी वजह से अगर आप कैंसर का शिकार हो रहे हैं, तो दोस्तों आज के समय में जो कोई भी हो सकता है, तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा आप नॉनी जूस को एक बार सेवन जरूर करिए। तो दोस्तों बात करते हैं पांचवें इंग्रेडिएंट की। दोस्तों पांचवा जो इंग्रेडिएंट है वो है इसमें टर्पीन। दोस्तों टर्पीन का काम क्या होता है, अगर बॉडी में किसी भी तरह की पेन हो, किसी भी तरह का दर्द हो, तो टर्पीन मदद करता है तुरंत बॉडी रिलीफ पेन में, यानी बॉडी में जितने भी पेन है उनको रिलीफ देने में मदद करता है। अगर जैसे बात करें तो आपने देखा होगा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में महिलाओं को बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प आ जाते हैं, तो उस समय वो उसको रिपेयर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो उसके बाद बात करें दोस्तों छठे इंग्रेडिएंट की, तो दो है दोस्तों, वो है दोस्तों फाइटोन्यूट्रिएंट्स। दोस्तों फाइटोन्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है, ये बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे किसी को आंख की प्रॉब्लम है, किसी को हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को ज्यादा काम की वजह से इंटरनल इंजरी आ गई है, और किसी को इम्यूनिटी सिस्टम किसी का बहुत ज्यादा लो है, तो उस चीजों में बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है उसको बूस्ट करने में, और बहुत ज्यादा हेल्प करता है उस चीजों को सुधारने में। तो दोस्तों इसमें जो सातवां इंग्रेडिएंट है वो है दोस्तों डायट्री फाइबर। अब डायट्री फाइबर की बात करूं दोस्तों, डायट्री फाइबर की कमी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आज लोगों को झेलने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को इसके वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब जैसे बात करें दोस्तों, किसी को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर प्रॉब्लम हो जाती है, वेट मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन सभी चीज में डायट्री फाइबर बहुत काम करता है जो नॉनी जूस में पहले से अवेलेबल है। उसके बाद बात करते दोस्तों एसेंशियल एमिनो एसिड। दोस्तों एसेंशियल इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये हमारा शरीर मजबूर है इसको बाहरी सोर्स से लेने के लिए। और अगर बात करें दोस्तों एसेंशियल एमिनो एसिड जो कि हम बाहरी चीजों से, बाहरी जो हमारे जो खाद्य पदार्थ है उससे बहुत कम मात्रा में ले पाते हैं, तो नॉनी उसके लिए तुरंत उस चीज को फिलअप करता है और बहुत ही जल्दी हमारे को एनर्जी रिक्वायरमेंट देता है। तो अगर बात करें कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो नॉनी जूस का सेवन जरूर करिए अगर उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो अगर बात करें दोस्तों कोई जिम पर्सन है जो जिम करता है, जिसको बॉडी मैनेजमेंट करना है, किसी को मसल गेन करना है, तो उसमें भी नॉनी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर बात करें दोस्तों हमारे शरीर में, क्योंकि हमारा शरीर एमिनो एसिड जो है हमारे शरीर में आपको पता होगा प्रोटीन को बनाने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है, और साथ ही साथ हमारे डीएनए के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे शरीर की जो टिश्यू है जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है एसेंशियल एमिनो एसिड। उसके बाद बात करें दोस्तों फैटी एसिड की। अगर फैटी एसिड की बात करूं तो दोस्तों आपने देखा होगा किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की किसी को प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी असेंशियल प्रॉब्लम होती है जिस वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का काम सामना करना पड़ता है। किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, किसी के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है, ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इन सभी चीजों में जो ये फैटी एसिड है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर बात करें इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की जो है एडेप्टोजेंस। तो दोस्तों जैसा कि नाम है वैसा इसका काम है, यानी जैसा नाम वैसा इसका काम। दोस्तों ये हमारे बॉडी को अलग अलग सिचुएशन में अडॉप्ट करने का काम करता है। जो एडेप्टोजेंस है हमारे शरीर को बहुत ही, मतलब जो भी अलग अलग सिचुएशन होती है अलग अलग उसमें डालने का काम करता है, अलग अलग सिचुएशन में अडॉप्ट करने का काम करता है। जैसे कि कई बार हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए फैमिलियर नहीं होता, जिस वजह से हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे शरीर के लिए वो एनवायरनमेंट हेल्थियर नहीं होता, जिस वजह से हमारी बॉडी में जो है नेगेटिव चेंज आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर बात करें जो एडेप्टोजेंस है वो हमारे शरीर में नेगेटिव चेंज को
होने से रोकता है और अगर हो भी गया तो उसे कम करने में मदद करता है। और बात करें क्योंकि इसमें एंटी स्ट्रेसर फॉर्मूला होता है जिससे किसी भी तरीके से हमारे शरीर में स्ट्रेस होने से ही हमारे को बचाता है। और दूसरा दोस्तों बात करें लास्ट इंग्रेडिएंट की जो है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा हमारा शरीर है वैसा ही ये हमारे शरीर को बनाए रखने में मदद करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार हम अनावश्यक एक्टिविटी के लिए कई बार बाहर चले जाते हैं, एक्सेसिव सनलाइट के कारण हमारा शरीर में बहुत सारी जो सेल है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से हमारा शरीर में जो है एक फ्री रेडिकल बनना शुरू हो जाता है। अब फ्री रेडिकल बनने के बाद हमारे शरीर में जब फ्री रेडिकल बनता है तो वो क्या करता है, जिस वजह से आपको अगर मैं बता दूं तो हार्ट डिजीजेज, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, इस तरह की बहुत सारी डिजीजें होना शुरू हो जाते हैं। परंतु जो ये एंटीऑक्सीडेंट फार्मूला जो हमारे नॉनी में पाया जाता है, जो बैल के नॉनी में पाया जाता है, इस वजह से आपको ये जो एंटीऑक्सीडेंट जो है जो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल बनता है ड्यू टू एक्सेसिव सनलाइट के कारण या बहुत ज़्यादा वर्कलोड के कारण जो बाहर हम करते हैं, तो उसको ये बनने ना बनने में मदद करता है, यानी उसको न्यूट्रल करने में मदद करता है। जो एंटीऑक्सीडेंट है हमारे शरीर में फ्री रेडिकल को न्यूट्रल बनाने में मदद करता है। और साथ ही साथ आपको अगर मैं बता दूं तो अगर ज़्यादा हम एक्सेसिव सनलाइट में भी रहते हैं तो ये हमारे डीएनए तक को डैमेज करता है। तो अगर बात करूं तो एंटीऑक्सीडेंट डीएनए तक को आपको इस फ्री रेडिकल बनाने में मदद करता है, जिस वजह से जो हमारा डीएनए है तो वो डैमेज होने से बच जाता है। तो दोस्तों लास्ट अगर इंग्रेडिएंट की बात करें जो इसमें पहले से ही मैंने बता दिया, बैल का जो नॉनी है इसमें नॉनी जूस, नॉनी तो है ही है, साथ ही साथ इसमें कोकम भी मिलाया गया है। तो दोस्तों जो कोकम है वो नॉनी जूस को पीने लायक बनाता है। अगर बात करें नॉनी जूस, जब भी आप हमारा जो वेल का नॉनी जूस है जब आप इसको पियेंगे तो एक स्वीट सोर जैसा टेस्ट आएगा। और क्योंकि बोला जाता है कि नॉनी एक ऐसा फ्रूट है जिसमें से बहुत बुरी स्मेल आती है, परंतु कोकम के साथ मिलाने पर ये पीने लायक बन जाता है। तो अगर बात करें कोकम की वजह से इसका जो टेस्ट है वो स्वीट टेस्ट बन जाता है और ये पीने लायक बन जाता है। तो दोस्तों अंत में यही कहना चाहूँगा कि नॉनी आपकी किन किन उसमें मदद करता है। सबसे पहली बात दोस्तों, जिनको जल्दी कमजोरी आती है, जो जल्दी बीमार हो जाते हैं, जिनको हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम है, गठानों को ख़त्म करने में नॉनी मदद करता है, किसी को नींद नहीं आती उसमें मददगार है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में बहुत ज़्यादा मदद करता है, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा मदद करता है, बॉडी पेन हो गया, और सबसे बड़ी बात दोस्तों किसी को कैंसर हुआ है या किसी को कैंसर के जो सेल है अंदर बनना शुरू कर रहे हैं तो उसको भी वो रिमूव करने में मदद करता है। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं कि नॉनी किन किन पर्सनों को नहीं लेना चाहिए, तो नॉनी उन लोगों को नहीं लेना चाहिए दोस्तों जो कि जैसे मैं दो तीन बताने जा रहा हूं, जिसमें पहला है प्रेग्नेंट लेडी को नॉनी नहीं लेना चाहिए, दूसरा जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उनको नॉनी नहीं लेना चाहिए, और तीसरा जो दोस्तों जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको नॉनी नहीं लेना चाहिए। और इसलिए इन तीनों को ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, और पोटाशियम होने के साथ साथ आपको पता होगा इन तीनों जो प्रॉब्लम है इसमें पोटाशियम अगर लोग ज़्यादा लेते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जो हमारा नॉनी है विटामिन ए बी और सी से भरपूर है, और साथ ही साथ अगर मिनरल्स की बात करें इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन बहुत ही अत्यधिक मात्रा में है। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बता दिया, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरीके से ये हमारे बॉडी में जाके काम करता है और किस तरीके से हमारे को एक भरपूर एनर्जी देता है। तो दोस्तों जिसके लिए मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं एक सिंबॉलिक डेमो, एक सिंबॉलिक डेमो जिसकी वजह से आप इसको पूरा ही रिजल्ट आप अपने आंखों के सामने देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों प्रोडक्ट क्वालिटी शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने एक यहां पर सर्किट तैयार किया है, मैं इस गिलास को साइड रख लेता हूं। पहले मैंने एक सर्किट तैयार किया है जो कि यहाँ पे बोर्ड भी लगाया है, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो मैंने यहाँ दो स्विचेस मतलब इस तार को बीच से काट दिया है, जिसमें आप देखेंगे कि बल्ब बहुत तेजी से जल रहा है,
यानी एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं, पहले मैं इसको बंद कर लेता हूं, जैसे अब नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा जब भी हम कुछ भी चीज लेते हैं, कुछ भी चीज अडॉप्ट करते हैं, तो पानी के साथ हमारे शरीर में वो घुल जाता है। और क्या आपको लगता है कि जो पानी के साथ जब पीते हैं, तो दोस्तों जैसा मेरा मानना है कि आज के टाइम पे नॉर्मल पानी भी सेफ नहीं है, ना हमारे को उससे प्रॉपर विटामिन मिलता है, ना उसमें मिनरल जो उसमें आवश्यक मिनरल होते हैं वो मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको पी के दिखाता हूँ, ये पीने वाला पानी है, ये पीने वाला पानी है। तो इस पीने वाले पानी को मैं इसमें डाल रहा हूँ। अब जैसा कि मैं स्विच ऑन कर लेता हूँ और आपको दिखा कि बल्ब यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, मैं दोनों को इसमें बाइंड कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पानी में कोई भी अभी मिनरल्स अवेलेबल नहीं है जो हमारे शरीर को एनर्जी फ्लो करे। परंतु अब इसी के बिहाफ पे अगर मैं इसमें, क्योंकि दोस्तों हमारा नॉनी एनरिच्ड है विटामिन ए बी एंड सी, साथ में ही कैल्शियम पोटाशियम जिंक और आयरन के साथ, तो देखते हैं किस तरीके से ये हमारे शरीर में एनर्जी को फ्लो करता है और हमारे शरीर में एनर्जी को बनाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, दिन में इसका दो बार सेवन किया जाता है, तो अभी हम फर्स्ट टाइम इसका यूज़ कर रहे हैं, यानी वन टाइम अभी यूज़ कर रहे हैं, तो देखते कितना फ्लो हमारे शरीर में, कितनी एनर्जी ये लाता है। आप ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने इसको हिलाया नहीं है, तो जैसे ही मैं लगाता हूँ आप देख लीजिए बल्ब जलना शुरू हो गया है। अभी मैंने इसको कुछ किया भी नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा इसको बात करूं, अगर मैं थोड़ा सा इसको गोल दूं, प्रॉपर गोल दूं, तो आप देखेंगे इसका फ्लो बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि इसमें कहा गया है कि दिन में आप दो बार ले सकते हैं, तो और एक ढक्कन में अगर इसमें लगाऊं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से काम करेगा। आप देख लीजिए एनर्जी फ्लो कितनी हुई है, यानी जो नॉर्मली आपने देखा कि नॉर्मली जब हम पानी के साथ किसी भी चीज को लेते हैं, तो हमारे को सबसे पहली बात है तो पानी से जो एक हमारे को आवश्यक जो मिनरल मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, और ऊपर से हमारे शरीर में जो प्रॉपर जो एनर्जी का फ्लो होता है वो होता नहीं है। परंतु अगर आप दोस्तों अपने घर में आज ही अगर नॉनी ले जाते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि आपके शरीर में जो एनर्जी का फ्लो रहने वाला है। और जैसा कि मैंने जो आपको बताया कि जो इसमें 11 तरीके के इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो आपके कम से कम दोस्तों 100 से ऊपर बीमारियों में मदद करता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बीमारियों से आप खुद तो छुटकारा पा ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने घर वालों को भी उन बीमारियों से दूर रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा अपनी तरफ से कि आप आज ही इस वेल नॉनी जूस को अपने घर ले जाएं और अपनी डेली आदतों में शुमार करें। तो अगर आपको दोस्तों मेरा आज का ये सेशन पसंद आया हो, अगर आपको ये मेरा आज का सिंबॉलिक डेमो जो कि नॉनी का हमने आज किया, अगर ये आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट ही, आपका शेयर ही और आपका सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करता है इसी तरीके से आगे वीडियो बनाने के। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।